यह है मनुख सोच रहा वड्डा घर मिलेगा सुखी हो जावांगे, धन मिलेगा सुखी हो जावांगे, रुतबा मिलेगा सुखी हो जावांगे, सारी जिंदगी इन चीजों को प्राप्त करने च बतीत कर दिंदा है। बंदा माया के धोखे च पै जांदा है। माई माया छल तरण की अगन मेघ की छाया गोबिंद भजन बिन हर का जल। माया छल स्वरूप है, जिवें कखां दी अग सदा सुख नहीं दिंदी, निग नहीं दिंदी, जिवें बदलां दी छां सदा छां ठंड नहीं दिंदी, जिवें हड़ दा पानी सदा नहीं चलदा रहिंदा। माया चो सदा सुख नहीं मिलना, माया चो सारे सुख नहीं मिलने। साहब जी कहिंदे कि जिहड़ा बंदा परमात्मा दा ओट आसरा लै लैंदा उहदे ते माया दा कोई प्रभाव नहीं पैंदा। वह माया नूं भी बंदगी दा साधन वरत लैंदा है, माया भी उहदी रब दी बंदगी दा कारण बन जांदी है। माया दुखां दा कारण नहीं है। असी माया नूं गलत समझ लिया, असी माया दे मोह विच पै गए। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी ने एक बड़ा प्यारा बचन बख्शिश कीता है, कहण लगे ओट गोबिंद गोपाल राय सेवा स्वामी लाह, बिखिया पो न सकई मिल साधो गुण गाह। जदों गुरु कोल आ के रब दे गुणा दे गाहक बन जावांगे फिर माया नहीं साढ़े ते प्रभाव पाएगी। जे जे गुरु कोल भी आके आखिया सतगुरु जी मैनूं इन्ना धन चाहीदा, इन्ना कारोबार चाहीदा, फिर ते माया ने प्रभाव पाउणा ही है। आपां कहिंदे मन नहीं जुड़दा, पाठ करदे आ मन नहीं जुड़दा। अक्सर आपां कहिंदे पाठ करदे आ मंगदे की, आपां पाठ करते हैं आपां कहिंदे की पाठ कर लो, कत्ती पाठ कर लो, मुंडे की नौकरी लग जाए, फलाना कारोबार हो जाए, फलाना घर बन जाए, फलाना दुख मिट जाए, मंगते हो कि मन कितों टिकेगा। जे पाठ करते हैं आपां कहिए कि परमात्मा के प्यार च जुड़ने, क्यों नहीं मन जुड़ेगा। पाठ करते हैं आप मंजिल परमात्मा बना लीए। सतगुरु जी कहिंदे जिस मनुख ने ओट गोबिंद गोपाल राय परमात्मा का ओट आसरा लै लिया है उहदे ते माया प्रभाव नहीं पाएगी, क्योंकि वह सदा परमात्मा के गुण गाउंदा है, वह परमात्मा की कीर्ति करदा है। जिंदगी अंदर जो परमात्मा ही मंजिल होएगी ना, बंदा रोटी खांदे भी परमात्मा के गुण गाएगा, बंदा किरत करदे भी परमात्मा के गुण गाएगा। जे प्रसाद सखे बसे सुख मंदर तिसे त्याए सदा मन अंदर, जे प्रसाद छत्ती अमृत खाएं तिस ठाकुर को रख मन माए। फिर माया कदी प्रभाव नहीं पाएगी, फिर तो बंदा जिंदगी एक भावना बना लेता कि मेरा मुझ मैं कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, सब कुछ परमात्मा दा। इस करके साहब कहिंदे जिन्हां नूं वाहिगुरु जी तुहाडा ओट आसरा है ना, उहनां ते माया दा प्रभाव नहीं पैंदा, उह माया दे धोखे च नहीं आउंदे। रहाउ तों बाद सतगुरु जी फिर बचन बख्शिश कर रहे हन। रहाउ बिन सिमरन जो जीवन बलना, सर्प जैसे अरजारी। वाहेगुरु जी दे सिमरन तो बिना, याद तो बिना जेड़ा जीवन आप बतीत करते, बलना मैना बिलाना बतीत करना, वाहेगुरु जी दे सिमरन तो बिना जेड़ा जीवन है, इवें कह लो जिवें सप्प दी भी भावें उम्र बड़ी लंबी है पर सप्प अंदरों जहर दे नाल ही भरिया रहिंदा, अपनी जहर दे नाल दुखी रहिंदा। सियाणे कहिंदे कि सप्प जहर तो इन्ना पीड़ित हुंदा ठंडी थां भालदा, चंदन दे दुआले लमकिया रहिंदा कि इत्थों ठंड मिल जाए मैनूं, अंदरों जहर उहनूं सड़दी है। जिंदगी भावें जिनी मर्जी लंबी होए, जे वाहेगुरु जी दे प्यार नालों टुट गया है ते वो अंदर एक तपस पैदा होंदी रहिंदी है, जहर पैदा होंदी रहिंदी है। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का वचन है, जित ग्रह जित घर कंत न प्रगटी पठ नगर से ग्राम। जिस मनुख दे हिरदे च परमात्मा की याद ही नहीं है, वह हिरदा तो इवें जिवें भट्ठी तपदी, भट्ठी जिथे अग बलेगी उत्थे शांति कित्थों आएगी। तो मनुख के अंदर तो एक अग नहीं है, सतगुरु जी कहिंदे कई तरह की अग बल रही है। काया आरण मन विच लोहा, पंच अगन तित लाग रही। हुण जिथे पंज तरह की अग बलेगी वह बंदा बाहरों भावें माला भी फेरी जाए हाँ, वह अंदरों किवें सुखी हो जाएगा। चित वाहेगुरु जी दे प्यार जुड़ना चाहिए, जदों लिव लग जाएगी सुखी हो गए फिर तत्ती तवी ते बैठा भी बंदा सुखी रहेगा। जे लिव नहीं लगी, जे सुरत नहीं लगी, बंदा फुलां दी सेज ते भी दुखी रहेगा, तपदा ही रहेगा। मनुख दे कोल कुछ साधना की कमी नहीं है। अज दे युग जदों आपां नजर मारदे हां, अज तो 50-100 साल पहलां दा जीवन देख लीए, उहनां समयां दे अंदर इन्नियां साधन नहीं सन, इन्ने पदार्थ नहीं सन, इन्नियां सुख सहूलतां नहीं सन, पर वह लोकी परमात्मा के ओट आसरे से बड़ी खुशहाल जिंदगी बतीत करते सन, बड़ी आनंद की जिंदगी बतीत करते सन। अज के मनुख के कोल बड़े सोहने घर ने, बड़िया सोहनिया गड्डिया ने, खाण पीण के लिए छत्ती नहीं छत्ती 100 प्रकार के भोजन आ गए ने, हुण तां अनेक पदार्थ ने। अज का बंदा बेचैन ही बड़ा, अज का बंदा परेशान ही बड़ा।
ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿਸੇ ਹਿਰਦੇ ਚ ਝਾਤ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿਸੇ ਘਰ ਚ ਝਾਤ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਲੱਭਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋਏ, ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਹੋਏਗਾ, ਕੋਈ ਹਰਿਆ ਬੂਟ ਰਹੇ ਉਹ ਜੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਰੱਬ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੇਵਲ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਮਾਇਆ ਮਨੋਂ ਨਾ ਵਿਸਰੇ ਮੰਗੇ ਦਮਾ ਦਮ, ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਲਿਵ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਕੇ ਲਿਵ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਕੀ ਲੱਗਣੀ, ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬੜੇ ਬੇਚੈਨ ਜੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਆਪਾਂ। ਜਦੋਂ ਲਿਵ ਲੱਗ ਜਾਏ ਜਿੱਥੇ ਰਹੋਗੇ ਉੱਥੇ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਰਹੋਗੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਿਨ ਸਿਮਰਨ ਜੋ ਜੀਵਨ ਬਲਨਾ ਸਰਪ ਜੈਸੇ ਅਰਜਾਰੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਸਾਡਾ ਬਤੀਤ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਸੱਪ ਆਪਣੀ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀ ਸੜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰੋਂ ਸੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਗਮ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਦੁੱਖ ਨੇ। ਬਾਹਰੋਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸਾਡੇ ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜੇ ਨੇ, ਬਾਹਰੋਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਹਰੋਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰੁਤਬੇ ਨੇ, ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬੜੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦਾਨੇ ਹਾਂ, ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਾਂਗੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਅੰਤਰ ਅਗਨ ਬਾਹਰ ਤਨ ਸੁਆਹ, ਅੰਦਰ ਅੱਗ ਲੁਕੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਸਾਡੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟੇ ਰਹਾਂਗੇ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਸੱਪ ਵਰਗੀ ਰਹੇਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਉਮਰ ਬਤੀਤ ਕਰ ਲਈਏ, ਆਪਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੜਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਨਵ ਖੰਡਨ ਕੋ ਰਾਜ ਕਮਾਵੇ ਅੰਤ ਚਲੇ ਗੁਹਾਰੀ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਰੋਸ ਸੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਖੇਡ ਹੈ, ਖੇਡ ਦਾ ਮਕਸਦ ਤਾਂ ਜਿੱਤਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਕਿ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਈਏ ਆਪਾਂ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦੀ ਜਾਚ ਨਾ ਆਈ, ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਨਾ ਆਇਆ, ਰਹਿਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇਣਾ ਕਿ ਭਾਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਿਆਰ ਚ ਜੁੜਨ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਿਆਰ ਜੋੜਨ ਦਾ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਇਹ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਚੜ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਈਏ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਗੁਫਾ ਜਾ ਕੇ ਵੜ ਜਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਅਰਥ ਸੀ ਹਾਥ ਪਾਉ ਕਰ ਕਾਮ ਸਭ ਚੀਤ ਨਿਰੰਜਨ ਨਾਲ, ਕਿਰਤ ਵਿਰਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਦਾਤੇ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਚ ਜੁੜੇ ਰਹੀਏ, ਜਗਤ ਤਮਾਸ਼ੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਰਹੀਏ। ਪਰ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਧਨ ਦੌਲਤ ਕਮਾਉਣਾ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਿਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਨੌ ਖੰਡਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਕਮਾ ਲੈ, ਨੌ ਖੰਡਾਂ ਦਾ, ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਰਾਜ ਕਮਾ ਲਾ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜੈ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਦੀ ਵਾਰ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬਚਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਸੰਤ ਸਵਰਗ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਤ ਤੇ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਨਵ ਖੰਡਣ ਹੈ, ਬਿਸਰੰਤ ਹਾਰ ਗੋਪਾਲ ਹੈ ਨਾਨਕ ਤੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਉਦਿਆਨ ਪ੍ਰਮਣੇ। ਬੰਦਾ ਸਵਰਗ ਵਰਗੇ ਮੁਲਖਾਂ ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਏ ਸਵਰਗ ਜੋ ਚਾਹੋ ਉਹ ਮਿਲਦਾ ਜਾਏ, ਸਵਰਗ ਦੀ ਕਾਢ ਪਤਾ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਬੜੇ ਮੌਜ ਮੇਲੇ ਹੋਣ, ਕਰਨਾ ਕੁਝ ਨਾ ਪਏ, ਬੈਠੇ ਬਿਠਾਇਆ ਕਿਹਾਣ ਖਾਣ ਪੀਣ ਪਹਿਨਣ ਦੇ ਸਾਧਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਮਿਲਦੇ ਜਾਣ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਇਸ ਬਿਰਤੀ ਤੋਂ ਅਖੌਤੀ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਲਾਭ ਉਠਾਇਆ, ਬੜੇ ਲਾਰੇ ਲਾਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬੈਠੇ ਬਿਠਾਇਆ ਮਿਲ ਜਾਏ ਘਰੇ, ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕੀ ਕੰਮ, ਬਸ ਵੀ ਵਿਹਲੇ ਮੌਜਾਂ ਮਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਈਦਾ ਕੰਮ ਕੋਈ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜਿਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਇਹ ਸੋਚ ਹੋਏ ਕਿ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਈਦਾ ਕੰਮ ਕੋਈ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਮੁਲਕ ਜਾਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਇਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਕੈਸ ਕੀਤਾ ਅਖੌਤੀ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਇੰਨਾ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਰਗ ਮਿਲੇਗਾ, ਮੌਜਾ ਮਾਣੇਗਾ। ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਇੰਨੀ ਵਾਰੀ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀਂ ਜਾਇਆ, ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਇੰਨੀ ਵਾਰੀ ਤੂੰ ਨਹਾਇਆ, ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਵਰਗ ਮਿਲੇਗਾ, ਮੌਜਾ ਮਾਣੇਗਾ। ਅਤੇ ਬੰਦਾ ਤੁਰ ਪਿਆ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਵਰਗ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਬੰਦਾ ਤੁਰ ਪਿਆ ਅਗਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ। ਆ ਜੋ ਹੱਥ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਗਵਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਲੋਕ ਗਏ ਪਰਲੋਕ ਗਵਾਇਓ, ਲੋਕ ਵੀ ਗਵਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਪਰਲੋਕ ਮਿਲਣਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰਮਤ ਨੇ ਕੋਈ ਲਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਐਸੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਆਨੰਦ ਮਾਨਣਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹੋ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁੱਖ ਦੇਹਰੀਆ ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ। ਮਤਾਂ ਆਸ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਾਠ ਰਖਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਜੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਸੀ
कि दुनिया के सुख माणांगा स्वर्ग मिल जाए। वो जिहड़ा स्वर्ग बंदे ने कल्पिया है, सतगुरु जी कहिंदे बंदा इहो जिहे मुल्क च वी क्यों ना वसदा होए, बसंत स्वर्ग लोक है जित ते पृथ्वी न वखंडण है। स्वर्ग वर्गे मुल्कां च रहिंदा होवे जिथे बड़िया सुख सहूलतां होण, बड़िया मौजां होण, बड़े सुख होण, बड़े आराम होण और सारी धरती का राजा होए बंदा। पर सतगुरु जी कहिंदे बिसरंत हर गोपाल है, नानक ते प्राणी उद्यान भ्रमण है। जे मनुख ने परमात्मा नूं भुला दिता है तो वह बंदा समझो जिवें जंगल च रह रहा, जंगल च बंदा कला होए ना बड़ा उदास हुंदा है। अज बड़ी ईमानदारी नाल नजर मार के देख लईए, रहिंदे आपां घोग वसदे शहरां च, रहिंदे आपां वड्डे वड्डे घरां च, पर जिंदगी साडी जंगल बन गई। जंगल हर शहर च वड़ के देख लो, इवें लगता जिवें महाभारत लगी होए, मार लो मार लो, रही जिवें जंग दे विच तुरे फिरदे आपां। हालात इहो जिहे बन गए ने। हालांकि जंगल च रहण वाला बंदा शायद हुण सुखी होए, लेकिन मनुख ने शहरां नूं जंगली जीवन बना लिया, शहरां नूं मनुख ने जंग का मैदान बना लिया। सतगुरु जी कहिंदे बंदा वाहिगुरु नालों टुट के नव खंडन को राज कमावै अंत चले गुहारी। भावें नौ खंडा का राज कमा ले, सारी धरती का राज कमा ले, पर अखीर वेले जिंदगी की बाजी हार के जाएगा, खाली हथ जाएगा। क्योंकि जान लग्या होया कि दीन गवाया दुनी स्यो, दुनी न चाली साथ, पाए कुहाड़ा मारिया गाफल अपने हाथ। दीन गवाया दुनी स्यो, दुनिया की खातर दीन भुला दिता, दुनिया की खातर कि मेरा परिवार है, जे झूठ नहीं बोलांगा कारोबार नहीं चलना, जे हेरा फेरी नहीं करांगा न्याणे किवें पालांगा, जे चोरी नहीं करांगा काम किवें चलेगा, ठगी नहीं करांगा काम किवें चलेगा। अज का मनुख यही कहिंदा है ना, बेईमानी नाल राज ले जा सकते ने, झूठ बोल के कारोबार चलते ने, मनुख ने यही कुछ किया। अज मनुख को राज है, मनुख को सुख है, मनुख को सब कुछ है, पर मनुख को मन की शांति नहीं है, वह कभी नहीं मिलनी। क्योंकि मनुख ने आधार बना लिया बेईमानी, हेरा फेरी, ठगी, सब कुछ। मनुख ने धर्म स्थानों पर भी जे कि कोई सेवा लैनी उत्थे भी झूठ बोलना शुरू कर दिंदा। इस करके धर्म स्थान पर बैठा भी यह बेचैन ही है, यह बाणी पढ़ता भी बेचैन ही है। सतगुरु सच्चे पातशाह जी कहिंदे बंदा भावें नौ खंडा ना राज कमा ले, जिंदगी की बाजी हार के जाएगा। हारण का कारण है कि दुनिया बदले ने दीन गवा दिता है। दीन दा अर्थ ही जिंदगी के कुछ ला कानून, जिंदगी के कुछ निजम। धर्म किनू कहिंदे ने, जिंदगी की मर्यादा नू। दीन कहिंदे जिंदगी के कुछ कानून ने। देखो परमात्मा की हर चीज जिहड़ी है किसी कायदे कानून में चल रही है। मनुख भी जिंदगी का कोई कानून बना ले, जिस मनुख की जिंदगी दे जागण का ही कोई टाइम नहीं, खाण का ही कोई सिस्टम नहीं, सौण का ही कोई सिस्टम नहीं, वह जिंदगी शांति कितों लै लेगा। आपां जे सीखना होए प्रकृति तो बहुत कुछ सीख सकते हैं। सूरज कभी अपने टाइम तो लेट नहीं हुंदा, रुत्तां कभी अपने टाइम तो लेट नहीं हुंदियां, और जितने तत् ने वह कभी अपने सुभाव नूं छड्दे नहीं, अपनी मर्यादा विच रहिंदे ने। मनुख जिहड़ा है कोई माण मर्यादा अपनाउण लई तैयार नहीं, सोचदा है कि इदां फिरना ही आजादी है। आजादी इहनूं नहीं कहा जांदा, आजादी के कुछ कानून होंगे ने। हर बंदा जिंदगी आजादी चाहता है, पर हर बंदा जिंदगी आजादी चाहता भी नहीं है। बड़ी हैरानी की गल, हर बंदा जिंदगी आजादी चाहता है, पर हर बंदा जिंदगी आजादी नहीं चाहता। क्यों नहीं चाहता है? कि आजादी के लिए कुछ कानून होंगे ने, कुछ जिम्मेवारियां होंदिया ने, बंदा जिम्मेवार बनना ही नहीं चाहता। बंदा जिंदगी कोई कायदा कानून अपना ही नहीं चाहता, कहता जो मर्जी उठा, जो मर्जी सोवा, जो मर्जी खाव, जिधर मर्जी जावा, मेरी जिंदगी है, आजादी होनी चाहिए है। इन्हों आजादी नहीं कहा जाता, यह बर्बादी का रस्ता है, बर्बादी का। तुम जिंदगी जो भी कुछ उच्ची चीज लैनी है वो कोई तुम्हें कायदा कानून अपना पेगा। तुम जिंदगी कोई फसल लैनी है, फसल चंकी फसल, वो कुवत्र देखना पेगा, वो कणक बीज के वाहनी पेगी, उन्होंने गोडी देनी पेगी, उन्होंने खाद पानी पेगी, वो देखरेख करनी पेगी। बड़े चिर बाद कुछ मिलता है। जिंदगी डॉक्टर बनना है, किसी मैडिकल कॉलेज जाके पढ़ोगे तो ही है, इंजीनियर बनना है। जे जिंदगी तुसी कुछ नहीं बनना ते ना कुछ बन ली ते कोई स्कूल कॉलेज नहीं है। इवें कह लो जिंदगी जे मूर्ख बनना उहदे लई ते कोई स्कूल कॉलेज नहीं है। इस करके जे जिंदगी च बर्बादी वल वधना है ते फिर कोई कायदे कानून की लोड़ नहीं है। फिर कहो जी साडी जिंदगी जिधर मर्जी जाइए, साडी जिंदगी दा अर्थ के बर्बादी। जे कहो जी वाहिगुरु जी ने त्रुट के जिंदगी दित्ती, इहनूं आपां सफल बनाउणा है, कुछ लैण लई आए हां, जिंदगी दा आनंद मानना है, ते फिर मनुख गुरु की दसी माण मर्यादा नूं अपनाउंदा है। सतगुरु जी ने एक गल की सी, गुर सिख मीत चलो गुर चाली, जो गुर कह सोई पल मानो हर हर कथा निराली। चाल आप कहने चाल ही बिगड़ गई है, यदि जिंदगी की चाल वधिया नहीं है,
चाल दर्थ मर्यादा जीवन का ढंग। सतगुरु जी कहते जो तुहानू गुरु ने जीवन की चाल दसी उन्हों अपना लो जेकर सुख चाहते हो। तो साहब जी कहते बंदा जे जिंदगी जीवन की चाल नहीं सीख सकिया भावें नवा खंडा का राजा बन जाए भावें सारी धरती का मालक बन जाए आखिर इस धरती तो जिंदगी की बाजी हार के जाएगा रोंदा होया जाएगा इस धरती तो। गुण निदान गुण ते नहीं गाए जाको कृपा तारी। गुण निदान दा अर्थ है गुणा का खजाना गुणा का घर ओ परमात्मा। बंदा बंदियां दे गुण बड़े गाउंदा है कोई बंदा यदि माड़ी जी मदद करदे बड़े गुण गाउंदा है खुशामद करने लिए लोगों के बड़े गुण गाउंदा है। देखो एक होंगी खुशामद करनी एक होंगी किसी की तारीफ करनी। किसी के गुणों की तारीफ करनी एक बहुत वधिया गल है जे किसी विच गुण देखो तो उसकी तारीफ करो। गुणों की तारीफ ही परमात्मा की तारीफ है दरअसल गुण ही परमात्मा ने। गुरबाणी कहती सांझ की जाए गुण केरी छाड़ अवगण चलीए। पर बंदा खुशामद करता है दरअसल खुशामद खुशामद मनुख को अंदरों कमजोर करती है। ज्यों ज्यों बंदा किसी की खुशामद करेगा ना अंदरों मरदा चलिया जाएगा। बाबा राम राय जी गए दिल्ली च गुरु साहब जी ने कहा सी जाओ तुहाडी रसना ते गुरु नानक जी बैठे जो कहोगे हो जाएगा। वह फिर औरंगजेब की खुशामद विच जुट गए खुशामद विच जुट गए। खुशामद करदिया इन्ने कमजोर हो गए अंदरों गुरबाणी बदल तक चले गए गुरु तो बेमुख हो गए। जदों बंदा किसी की खुशामद करन लग जाएगा अंदरों कमजोर हो जाएगा गुरु तो बेमुख हो जाएगा। खुशामद नहीं करनी जिंदगी अंदर गुणा की तारीफ करनी है। गुणा नूं देख के ईरखा नहीं करनी किसी नाल गुणा की तारीफ करनी। गुण तुसी विरोधी दे भी देखो तारीफ करो दी। गुरु साहब का इतिहास पढ़ो भाई साहब जी ने भी इतिहास लिया संतोख सिंह जी ने जे कि उन्होंने विरोधियों का गुण देखे तो उसकी तारीफ की है। इस करके सियाणा बंदा यह है जिहड़ा गुणा की तारीफ करता है। सतगुरु जी कहिंदे वाहिगुरु जी गुणा वाला है उहदे गुणा की तारीफ करो। गुण निधान गुण तिन ही गाए। आपां बंदियां दे गुण बड़े गाउंदे आ जे कि परमात्मा के गुण गाइए जे बंदियां दे गुण गाई जाओगे खुशामद करी जाओगे अंदरों मैल दे नाल भरदे जाओगे। जे परमात्मा के गुण गाओगे सतगुरु जी का एक अमृत बजन के गुण गावत तेरी उत्तर समैल बिन सजाए हों में बिख फैल। जे परमात्मा के गुण गाएगा बंदिया तेरे अंदरों मैल मिट जाएगी बंदियां दे गुण गाएगा अंदरों मैल नाल भर जाएगा। गुण निधान गुण तिन ही गाए। गुणा के खजाने वाहेगुरु जी के गुण केवल उसने गाए जिदे परमात्मा की मेहर होंदी है। गुण गाना जिंदगी का मकसद है गुण ग्रहण करना जिंदगी का मकसद है। जे जिंदगी अंदर गुण नहीं गाए गुण ग्रहण नहीं किए सतगुरु जी ने एक बचन किया कि गुण गोबिंद गायो नहीं जन्म अकार्थ की। जे गोबिंद के गुण नहीं गाए तो जिंदगी अकार्थ है। तो गुरुदेव जी ने एक प्रेरणा की गोबिंद के गुण गावो साधो गोबिंद के गुण गावो गोबिंद के गुण गावो साधो गोबिंद के गुण गावो गोबिंद। मानस जन्म अमोलक पाया मानस जन्म अमोलक पाया व्यर्था काहे गवावो साधो गोविंद के गुण गावो गोविंद के गुण गावो साधो गोविंद के गुण गावो गोविंद के। साहब कहते गोविंद के गुण गाओगे जिंदगी चो मैल मिट जाएगी। जिहड़ा रसना नाल परमात्मा के गुण गाउंदा है ना साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का बड़ा सुंदर वचन है कि रसना गुण गोपाल निद गायण शांत सहज रहस मन उपजियो सगले दुख पलायण। रसना नाल गोविंद के गुण गाओगे मन नूं शांति मिलेगी मन में सहज आएगा मन में खेड़ा आ जाएगा
जिंदगी चो सारे दुख दूर हो जाएंगे। इस करके सतगुरु जी कहते जिन्हां ते परमात्मा की मेहर हुई उन्होंने वो गुणा के खजाने परमात्मा के गुण गाए हैं। सो सुखिया धन उस जन्म नानक तिस बलहारी। जिन्हें परमात्मा के गुण गाए वह सुखी है। बंदियां दे गुण गाया कभी सुखी नहीं हुंदा बंदा। साहब कहते परमात्मा के गुण गाउण वाले की जिंदगी धन हो जाती है। सतगुरु साहब श्री गुरु अर्जन देव जी कहते मैं उस मनुख तो बलिहार जिन्हें परमात्मा के गुण गाए ने। सतगुरु जी ने सानू भी प्रेरणा की जे माया के गुण गाँवते रहोगे खुआर हो गए, जे बंदियां दे गुण गाँवते रहोगे खुआर हो गए। साड़ी जिंदगी जे खुआरी है वह एको एक कारण है कि आप माया के गुण गा रहे हैं। अपनी सुरत केवल माया विच लगी हुई है। माया मनोन विसर है मंग है दम दम चाहिदा तां ए सी कि दम दम सदा समाज दा दम ना मिलता जाए। हर दम दे नाल उस परमात्मा नू याद कर दे, हर दम नाल परमात्मा दे गुण गाउंदे। जे मनुख नू गुरु दी मेहर दे नाल जीवन दी जाच आ जाए फिर ते उठदे आ बैठदे आ सुत्ते आ जागदे आ रब दे प्यार जुड़िया रहिंदा है। फिर उहनू लोड़ नहीं रहिंदी उच्चेचियां किते माला लैके बैठण दी, क्योंकि गुरबाणी ने तो सुत्तियां भी वाहेगुरु जी नू आराधन की गल कही है, जागदियां भी आराधन की गल की, खांदियां पींदियां भी। इहदा मतलब कि परमात्मा के गुण गाउण दा अर्थ है कि सुरत परमात्मा च लग जानी। रोटी देखदियां वाहेगुरु याद आ जाए, घर देखदियां परमात्मा याद आ जाए। जे रुतबा देख के रब भुल गया समझो खुआरी आनी यकीनी गल है, उहनू कोई नहीं टाल सकता। सतगुरु साहब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज ने दो तरह की जिंदगी की गल करके, एक वह लोग जिहड़े जिंदगी च खुआर हो रहे हैं उन्हां दी खुआरी का कारण उन्होंने रब नूं भुला दिता है। रब नूं भुलाउण दा अर्थ कि जिंदगी जो परमात्मा ने दिती है इहदे च कोई विधि विधान है, कोई जिंदगी का लाह है, कोई मर्यादा है, कोई कानून है। वह सानूं जिंदगी की जो रहन बहन की मर्यादा गुरु ने दसनी सी, बंदा गुरु की गल सुन तो बागी हो गया। यही कारण है कि जिंदगी अंदर दुख आ गए ने। आओ सतगुरु जी ने इस मुख वाक दे राही सानूं जिंदगी सवार के उस अवस्था च उस लैवल ते उस पद्धर ते पहुंचण दी गल कही है जिस पद्धर ते पहुंचे हुए मनुख तो गुरु अर्जन देव जी बलिहार हो रहे हैं। नानक तिस बलिहारी कि नानक उन्हां तो बलिहार जांदा है। सतगुरु जी मेहर करन, गुरु साहब जी दे ये बचन साडे हिरदे च वसन, आपां जिंदगी उस परम पिता परमात्मा दे प्यार च जुड़ के गुरु दी मेहर दे पात्र बन सकीए। इन्हीं बेनतियां प्रवान करनियां। आखिरी पंक्तियां भाई साहब जी सुना रहे ने, प्यार दे नाल सरवण करिए समाप्ति होवेगी जी। गुण निदान गुण ते नहीं गाए जाको कृपा तारी सो सुखिया तन उस जन्मा नानक तिस बलहारी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।